महोबा के चर्चित विस्फोटक क्रेशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में दो साल से फरार चल रहे तत्कालीन में भगोड़े एसपी मणिराज पाटीदार ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। भगोड़े एसपी मणिलाल पाटीदार द्वारा कोर्ट में सरेंडर करते ही न्यायालय द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए जाने के बाद परिवारजनों ने राहत की सांस ली है। मामले के बाद ही इंद्रकांत त्रिपाठी के भाई रविकांत त्रिपाठी ने खास बातचीत में कहा कि उन्हें हाईकोर्ट और कानून पर विश्वास है, जिसके चलते आखिरकार घमंडी आईपीएस को आज सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। महोबा के कबरी थाना क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे के बगवा खोड़ा मोड़ पर 7 सितंबर 2020 को पत्थर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने अपनी गाड़ी में लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की थी। कार में इंद्रकांत त्रिपाठी के खून से लथपथ पड़े पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीर अवस्था में कानपुर रिजेंसी ले जाया गया था, जहां 13 सितंबर को इंद्रकांत त्रिपाठी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसको लेकर पत्थर मंडी कबरई के हजारों व्यापारियों ने थाने में प्रदर्शन कर मणिलाल पाटीदार सिपाही अरुण यादव, तत्कालीन थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश व चित्रकूट धाम मंडल के आईजी के सत्यनारायण ने तत्काल प्रभाव से आरोपी मणिलाल पाटीदार व इंद्रकांत त्रिपाठी के पार्टनर कारोबारी सुरेश सोनी ब्रह्मदत्त तिवारी के खिलाफ धारा 304 में मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचना के दौरान कबरई थाना के तत्कालीन प्रभारी देवेंद्र शुक्ला व सिपाही अरुण यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 9 सितंबर को अरुण श्रीवास्तव महोबा के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए, तो वहीं 19 सितंबर को डीएम अवधेश तिवारी को हटाकर सतेंद्र कुमार को महोबा की कमान सौंपी गई थी। कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित करने के बाद भी मणिलाल पाटीदार दो साल से फरार चल रहे थे। आज कोर्ट में सरेंडर करते ही क्रेशर कारोबारी मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों ने राहत की सांस ली। आज हमें न्याय में कुछ आस जगी है कि माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इनने जो है सरेंडर कर दिया है, तो कुछ राहत महसूस हो रही है। क्या पूरा घटनाक्रम? पूरा घटनाक्रम ये था कि मणिलाल पाटीदार मेरे भाई छोटे भाई इंद्रकांत त्रिपाठी को प्रताड़ित करते थे, 6 लाख रुपए की हर महीने मांग करते थे, और जब उन्हें देने से मना किया तो उन्हें प्रताड़ना शुरू कर दिए और ज़बरदस्ती दबाव बना करके 6-6 लाख रुपया जून के महीने में, जून 2020 और जुलाई 2020 में इनने वसूल किया था। और इस वसूली में आपके जो है एसपी साहब संलिप्त थे, और इन लोगों ने जो है जब उन्हें रुपया देने से मना किया तो इन्हें पुलिस प्रशासन से प्रताड़ित कराया, और लोकल जो इनके दलाल थे उनसे प्रताड़ित कराया, और जो इनके पुलिसकर्मी सहयोगी थे उनसे प्रताड़ित कराया। और इसके बाद 8 सितंबर 2020 को इनने जो है अपने सभी सहयोगियों के साथ हत्या का षड्यंत्र रचते हुए और इनकी जो है गोली मारकर हत्या कराने का प्रयास किया गया था। मेरे भाई जो है घायल अवस्था में कबरई बाना मार में खोड़ा के पास 2:30 बजे दिन के गंभीर अवस्था में मिले थे, गर्दन में गोली लगी हुई थी। वहाँ से इलाज के लिए ले जाया गया था महोबा अस्पताल, वहाँ से रेजेंसी रेफर कर दिया गया था, रेजेंसी में इलाज चला था, और इलाज के दौरान ही इनकी 13 सितंबर 2020 को सायंकाल मृत्यु हो गई। जब से आज तक 4 मुलजिम पकड़े गए हैं, 4 जेल में बंद हैं, किसी की आज तक बेल नहीं हुई। माननीय हाईकोर्ट ने जो है किसी को बेल नहीं दी, और आज भी जब से 8 सितंबर 2020 से आज तक ये फरार रहे, अभी आज इन्हें सरेंडर किया है कोर्ट में। तो ये मान के चलिए कि न्याय के हिसाब से तो सफलता है, माननीय अदालतों के हिसाब से सफलता है। ये जो है न्याय व्यवस्था की उसके कारण से जो है आज उन्होंने अपने आप को माननीय न्यायालय के समक्ष जो है हाजिर हुए हैं, और ये सही मायने में देखा जाए तो माननीय उच्च न्यायालय का जो है निर्देश का ही उन्होंने पालन किया है। शासन ने कोई खास उनके लिए गिरफ्तारी नहीं की है, और अभी भी हमारा ये है कि हमारे साथी अधिवक्ता जो रविकांत त्रिपाठी जी हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी, और उसमें बहुत से अभी जो अभियुक्त हैं वो काफ़ी लंबी लिस्ट है, शेष अभियुक्त उनके अभी जेल में हैं। और आज ये बहुत अच्छा रहा कि माननीय न्यायालय के सहयोग से वो, और माननीय न्यायालय के आदेश से वो जो है लखनऊ कोर्ट में हाजिर हुए।